गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रिया सिन्हा फ्रॉम रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। आई विल टीच यू पिक्चर बुक ऑफ क्लास नर्सरी। फर्स्टली आई विल डिस्कस वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर्स नेम डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब होता है पालतू जानवर, जिसको हम लोग पालते या फिर हमारे घर के आसपास में रहते हैं। तो पालतू जानवर में कौन कौन से जानवर आते हैं? हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। RABBIT, रैबिट। रैबिट का मतलब होता है खरगोश। DONKEY, डंकी। डंकी मीन्स गधा। BUFFALO, बेफेलो। बेफेलो मीन्स भैंस। CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। GOAT, गॉट। गॉट मीन्स बकरी। SHEP, सिप। सिप मीन्स भैंस। CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊंट। COW, काउ। काउ मीन्स गाय। ये सारे जानवर पालतू जानवर है, जिसे हम लोग पालते हैं, जो हमारे घर के आसपास हो उसको हम लोग पालतू जानवर करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नॉन एज द एनिमी ऑफ द रैट। मतलब किस जानवर को हम लोग चूहे का दुश्मन कहते हैं? आप लोग देखे होंगे कि जहाँ भी चूहा रहता है तो कैट उसको खा जाती है, तो हम लोग कैट को रैट का दुश्मन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, CAT, कैट। इस कैट को एनिमी ऑफ रैट कहते हैं, चूहे का दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच एनिमल इज यूज फॉर राइडिंग। किस जानवर को हम लोग सवारी के लिए यूज करते हैं? तो हम लोग इसका आंसर होगा हॉर्स, HORSE, हॉर्स को हम लोग सवारी के लिए यूज करते हैं, राइडिंग के लिए। विच एनिमल्स कैरी लोड, कौन सा जानवर है जो बोझ उतारता है, कैरी लोड? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डंकी, DONKEY, डंकी। नेम टू एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। दो ऐसे जानवर का नाम बताना है जो मिल्क देती है, दूध देती है। तो काऊ हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा। ये दोनों जानवर हम लोग को मिल्क देती है। तो काऊ का स्पेलिंग होगा COW, काऊ। BUFFALO, बफेलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल गिव अस उल, कौन सा जानवर हमें उल, उल मीन्स होता है ऊन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीप, सीप हमें ऊन देती है, SHEP, सीप। नेक्स्ट वर्कशीट है, राइट द मिसिंग लेटर। मैंने इस डोमेस्टिक एनिमल से कुछ वर्ड दिए हैं, उसका मिसिंग लेटर कंप्लीट करना। जैसे सी, सी के बाद डैश दिया हुआ है, तो इसमें हम CAM के बाद डैश है तो ई फिल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कैमल। उसी तरह GAT लिखा हुआ है, तो जी के बाद डैश दिया हुआ है तो उसमें ओ फिल कर देंगे, ए के बाद डैश दिया हुआ है तो टी फिल कर देंगे, तो ये गॉट बन जाएगा। ये भी डोमेस्टिक एनिमल से ही है, सारे वर्ड डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड है। फिर एस दिया हुआ, एस के बाद डैश है, फिर ई के बाद डैश और पी, तो एस के बाद एच फिल करेंगे, ई के बाद फिर ई फिल करेंगे, और तो ये सिप बन जाएगा।
उसी तरह हम सारे वर्ड को फिल करेंगे तो डोमेस्टिक एनिमल से ही कुछ एनिमल्स का नाम आएगा जो इसमें फिल कर बनेगा। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द वर्ड विथ देयर हिंदी मीनिंग। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है और इस साइड इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, उसको इससे मैच करना है। जैसे एच ओ आर एस ई हॉर्स, मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग पढ़ाया कि हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, तो हम इस साइड में देखेंगे घोड़ा किस नंबर पर लिखा हुआ है, तो 1 2 3 नंबर पर लिखा हुआ है, तो घोड़ों हॉर्स को घोड़ा से इस तरह मैच कर देंगे। हॉर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, घोड़ा। फिर डी ओ एन के ई वाई डंकी लिखा हुआ है, तो डंकी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, गधा। तो इसमें ढूंढेंगे गधे किस नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर है, तो इसको इस तरह डंकी को गधे से इस तरह मैच कर देना है। जो भी वर्ड लिखा हुआ उसका हिंदी मीनिंग इस साइड है, उसको पढ़ेंगे उसके हिंदी मीनिंग से मैच कर देंगे। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ पर 4 डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम लिखना है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखिए हॉर्स, रैबिट, डंकी, कैट, डॉग, बफेलो, गॉट, कैमल, सीप, काउ। इसी में से कोई भी 4 डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम इसमें फिल करना है। इस तरह ये पार्ट, ये डोमेस्टिक एनिमल्स चैप्टर को कंप्लीट करें, फिर इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको वर्ड याद कीजिए, इसको वर्कशीट पर प्रैक्टिस कर अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।